शराब नहीं किताब दो, मदिरालय नहीं पुस्तकालय दो। सर वो बिहार में बहार है, गोलियों की बौछार है, अपराधियों की सरकार है, फिर भी कहते हैं कि बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है। मैं सुशासन बाबू हूँ, मुझे कुछ आंख में पट्टी बांधकर मुखर्जी आए। चूंकि मैं सुशासन बाबू हूँ ना, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। 2005 के बाद बिहार में जो लोग तथाकथित लोग कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, लेकिन अफसरशाही भ्रष्टाचार का बोलबाला है, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। अफसर जो है लूट कर करके, एस्टिमेट घोटाला कर कर करके करोड़ों करोड़ रुपया बिहार में जो है लूट जारी है, लूट खसोट जारी है। उसमें आप देख लीजिए सैकड़ों घोटाला हुआ बिहार में दर्ज। आप देख लीजिए दवा घोटाला, सृजन घोटाला, बालिका गृह कांड, शौचालय घोटाला, इंदिरा आवास घोटाला, मुख्यमंत्री आवास घोटाला, लेकिन फिर भी कहते हैं कि लोग में बिहार में बहार है। मैं अंधा हो गया हूं, मैं सुशासन बाबू हूं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। अरे भाई, आप जिस तरीके से बिहार में जो घटनाएं घट रही है और जो लोग कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, उनको मैं ये आईना दिखा रहा हूं कि अगर सुशासन की सरकार है तो जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है। स्कूल बैग में शराब ढोया जा रहा है, आए दिन बिहार में लूट हत्या और अपहरण की घटनाएं घट रही है, उस पर कोई भी बोलने वाला नहीं है। बिहार में महंगाई और बेरोजगारी है, इस पर कोई चर्चा नहीं। पढ़े लिखे लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। शराब नहीं किताब दो, मदिरालय नहीं पुस्तकालय पर लूटा जा रहा है। अस्पताल बीमार है, डॉक्टर लाचार है, अस्पताल बीमार है, डॉक्टर लाचार है। बिहार में बहार है, गोलियों की बौछार है, अपराधियों की सरकार है, आप फिर भी कहते हैं कि देख लीजिए संपूर्ण बिहार में आए दिन ट्रक भर भर कर करके शराब आ रहा है, उस पर क्या कार्रवाई हो रहा है? आखिर जिस तरीके से अस्पताल, बिल्कुल जिस तरीके से नहीं, देख जो भी घटनाएं घट रही है उसको हम लोग उजागर करने का काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि स्मार्ट मीटर के नाम पर बिहार में जो है वो बिहार में परिस्थिति, मुकेश जी जब नीतीश कुमार आपके साथ थे, आपके साथ ये वहाँ शराब का स्टॉक किया जा रहा है, जहरीली शराब से बिहार में आए दिन जो है वो